ஐ வல்லே விலாசம் சகஸ்பீலே தர்கா யத்பாஷல்லம் தீரம் வீரம் ஷீரம் நிருபன்னே பன்னதுஷ்கீர்த்தி சித்தி போதி சமோதி திபுச்சி காந்தி சாந்தி சமாதி வித்துதுத்மஹை சாந்தி தரா சம்பூஜி கனா பதி பால கனா उदगी चंदन तंदुली पुष्पी चल सुदी सुदूपी फला प्रबल मंगल Oh,
Namo Kali Mahamantra ka usne sumiran kar liya.
चतहरी मंगल पंडित जी मंत्र बोलो, पूजा चल रही है मंत्र। ओम नमो स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपामि अपवित्र पवित्रो चंदन तंदुनि भगवत ग्रजन तप ज्ञान निर्माण पचकड़ा अर्घुण पाती स्वाहा उदक चंदन तंदुनि सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु धर्म निपामती चंदन तंदुल एक हजार आठ भगवान स्वाहा। आइए चला भाई खड़े हो जाए से और भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। हमने कैसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? ओ मेरे सर पे रख दो बाबा, ओ मेरे सर पे रख दो बाबा। देखिए वो मनुष्य बहुत पुण्यशाली होते हैं जिनको ये भगवान के मोक्ष कल्याण वगैरह मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए और इसको बड़े ही भक्ति भाव से, अरे बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, ऐसा हमने क्या माना जो देने से इनकार किया। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो जाई अंधियारी रात, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने में होती है अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोध होकर संसार बढ़ाया है, संतत्व हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पानी आया है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामेत स्वाहा।
उज्ज्वल हूँ कुंद दबल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन न स्वर पे बब को अपनाया, निज श्वास अक्षर निज पाने अब दास करने रज में आया। फूल कमल का फूल फूल के अंदर श्री महाबली एक दोनों हाथ सीधे खोलेंगे बड़े भक्ति भाव से बोली भगवान महावीर स्वामी की। फूल कमल का फूल फूल के अंदर श्री महाबली चारों तरफ सरोवर बहता चारों तरफ सरोवर बहता बहता है निर्मल नील। फूल कमल का फूल फूल के अंदर श्री महावीर ये पुष्प सुकोमल इतना धन में माया कुछ से सुनाई, निज अंतर का प्रभु भेद कहो उसमें रजता काले सुनाई। चिंतन कुछ फिर संपा सुन कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाओ जो अंतर का लुत्फ होती है। अब तक अग्नित जन तप्यों से प्रभु भूखी न मेरी शांति हुई, तृष्णा की खाई खूब भरे भरे दिखते रहे बहे लिखते रहे, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया, पश्चिंद्रिय मन के सतरथ तन अनुपम रस पीने आया हो। क्या कहा है, अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु अब तक भूख न मेरी शांत हुई, हमारा यह मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है, हमने अनेक भाव धारण किए हैं, कहते हैं असंख्यात देवों के भाव, असंख्यात नरकों के भाव, असंख्यात तिरंचों के भाव। जब कोई एक पुण्य उदय आता है, जब हमें मनुष्य प्राप्त होता है, तो हमने अनगणित कोई गिनती नहीं है ऐसे द्रव्यों से प्रभु हमने बहुत प्रकार के हर भाव में अनेक प्रकार के नैवेद्यों को चखा है, लेकिन हमारी भूख शांत नहीं हुई है। हे प्रभु, हम आपसे कामना करते हैं, हम आपसे भक्ति से निवेदन करते हैं कि हमारी भूख शांत हो और उस परम पद को हम प्राप्त करते हैं। इसी भावना से हम चढ़ाते हैं ओम ह्रीम श्री देव शास्त्रभ्यो क्षुदा रोग विनाशनाय निवेदम निर्वपामे स्वाहा। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान। मांगती रहती तुझसे सांझ सवेर, हाथ ये है हाथ ये है हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा ऐसा। अगर आनंद आ रहा हो तो दोनों हाथ सीधे खोल ले, अगर आनंद आ रहा है तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उठाए एक बार दोनों हाथ और कहेंगे क्या अपने भक्ति भाव से। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा ऐसा। जग के जड़ दीपक को अब तक समझाता मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर का रंग, अतएव प्रभो यह नश्वर दी समर्पण करने आया हो, तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हो। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरुव्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये विद्या व्रति रही मेरे, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ के, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हो, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु प्रभु गंध जलाने आया हो। ओम श्री देव सा
शास्त्र भी हो अष्ट कर्म दे नहाई धूपम निर्वाबा में जग में जिसको निज कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता मैं शांत निराकुल चेतन हूँ यदि होता सुख इस जहां में यदि होता सुख इस जहां में तीर्थंकर क्यों छोड़ देते हो यदि होता सुख इस जहां में तीर्थंकर क्यों छोड़ देते ये महल ये अटारी खजाने ये इन्हें फिर क्यों छोड़ देते यदि होता सुख इस जहां में तीर्थंकर क्यों सुख छोड़ देते यदि होता सुख इस जहां में क्षण भर निज मन को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है पासा एक बाब विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता अनुपम सुख सब निर्मित होता केवल रवि जगमग करता दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरिहंत अवस्था ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे संत प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊं ओम रिम देव शास्त्र व्यो अनहर के पदे प्राप्त ही अर्घम निर्वपा में दे स्वाहा आई जयमाला करते हैं भवन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर देखा रग के समित्र से ना के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा झूठे जग के सपने सारे झूठी मन की सब आसाए तन जीवन यौवन अस्थिर है क्षण भंगुर पल में मुरझाए सम्राट महाबल सेनानी उसी क्षण को टाल सकेगा क्या अशरण काया में हर सिद्ध निज जीवन डाल सकेगा क्या संसार महादुख सागर के प्रभु सुख में सुख आवासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन का मन प्रसादों में मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व लिए सब ही आते तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ निज में पर से अन्यत्व लिए निज समय रस पीने वाला हूँ जिसके श्रृंगारों में मेरा यह पहला जीवन घुल जाता अति असोचे जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता भारत वाणी और काया से आशव का द्वार खुला रहता शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल शीतल समेकित किरण फूटे संवर से जागे अंतर बल फिर तप की सोदक वर्णी जगे कर्मों की कड़िया टूट पड़े सरी मांगे निजात प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े हम छोड़ चले यह लोग के तभी लोकांत विराजे क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो तो कांत बने फिर हमको क्या जागे मम दुर्लभ बोध प्रभो दुर्ने तम तत्वर सर जावे बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मदे मस्तर मोह विनस जाऊं
शास्त्र गुरु भी हो जय माला पुनर्गम निर्वपा में इस जयमाला में बड़े बहुत भाव भरे हुए हैं। एक एक इस संसार का, इस अनंत ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर हमने कोई ना कोई पर्याय में जन्म नहीं लिया हो। यहां तक कि हम निगोद के रूप में मोक्ष भी जा चुके हैं, लेकिन हमारी आत्मा उन कर्मों से लिप्त रही है, इस वजह से हम उस सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारी आत्मा और आदिनाथ भगवान की आत्मा कोई अंतर नहीं है, एक समान। हमारी आत्मा की लो और भगवान आदिनाथ की लो एक जैसी है। अंतर क्या है? हमारी आत्मा की लो और भगवान की आत्मा की लो से अब तक मैच नहीं कर पा रही है। उसका कारण पता है क्या है? अनादि काल से लगे हुए हमारी आत्मा में मोहिनीय 8 कर्म, मोहिनीय के क्षीण होते ही सारे कर्म स्वतः क्षीण हो जाएंगे और हमारी आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा समान हो जाएगी। सुजने रिमल नीरम गंध सुवक्षण पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर माजत गान मृदंग बज रे आदि नादि जग चरण कमल मन बल बल जाओ मन बज गान ओ करुणानिधि भव दुख मेटो यदि में पूजो प्रभु राजनेन्द्र भी नमः अनहर के पद प्राप्त अर्घ नृपा में ते स्वाहा निवास मोक्ष बोलेंगे नहीं कदा। ओम श्री
पाशना जिनेन्द्राय नमः अनर्ग पद प्राप्तये अर्ग निरुपामेते स्वाहा जल फल वस सज हिमता तन मन मोदि धरो गुणि गाओ भव धरिता पूजत पापी हरो श्री वीर महातिवी तनमति नायक हो जय मर्द मान गुण दी तनमति नायक हो अनहर के पति प्राप्त ही अर्घ में रूपा में दे बोले भक्तांबर विधान की जय हो बोले आदिनाथ भगवान की जय बोले आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। आइए आदिनाथ भगवान की भक्ति के साथ पूजन करेंगे। हरे बोले दिल बोले ओ तू है दाता है पिता बाबा अयोध्या बाले दर पे मुझे पुकारे बाबा अयोध्या बाले दर पे मुझे बुलाले ओ तू है दाता है विदाता तू है दाता है विदाता बाबा अयोध्या बाले दर पे मुझे बुलाले बाबा अयोध्या वाले दर पे मुझे बुला ले। ओ श्री आदि प्रभु के चरणों में हम भक्ति से शीश झुकाते हैं ये ताविराय के नंदन है माता मरु देवी के दुलारे हैं शर्माती से जिसे आकर के तुम नगर अयोध्या में जन्म लिया हम पूजे प्रभु को थापन कर जो अष्टापद को पुनित किया तू है दाता है पिताता बाबा अयोध्या वाले दर पे मुझे बुला ले बाबा अयोध्या वाले दर पे मुझे बुला महाबीजाक्षर संपन्न श्री ऋषभ देव तीर्थंकराए अत्र अवितर अवितर संभोषट आवाहनम जय हो ओम ब्रीम श्रीम क्लीम महाबीजाक्षर संपन्न श्री ऋषभ देव तीर्थंकराए अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहटः स्थापनम ओम ब्रीम श्रीम क्लीम महाबीजाक्षर संपन्न श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अत्र मम सनितो भव भव वशट सनधिकरणम। आइए आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं बड़े भक्ति भाव से। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आइए चलते हैं। ओ जब से प्रभु दर्श मिला और मन भा मेरा खिला खिला और मेरी तुमसे डोर बंद गई रे। आजी भाई साहब आइए आ जाओ आइए और मैं चाहता हूँ इस पूजन को पर बड़े भक्ति भाव से करेंगे सभी भक्ति के साथ करेंगे सभी आइए सभी भक्ति कर सकते हैं। और जब से प्रभु दर्श मिला और मन बा मेरा खिला खिला जब से प्रभु दर्श मिला मन बा मेरा खिला खिला जब से प्रभु दर्श मिला मन बा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंद गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे जब से प्रभु दर्श मिला मन बा मेरा खिला खिला जब से प्रभु दर्श मिला मन बा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंद गई रे। देखिए आप सभी भगवान का मोक्ष लड़क बना रहे हैं और इतनी ऐसा लगना चाहिए हमको कम से कम रत्नों की बृष्टि भी होती है आप सभी जानती हैं। आइए कम से कम भगवान का मोक्ष लड़क बना रहे हैं आप सभी। मेरी दो बटंगे उड़ गई रे मेरी दो बटंगे उड़ गई रे ओ
जी हम तुम्हारे हाथले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे मन का पंच भोले राम संग संग ढोले राम मन का पंच भोले राम संग संग ढोले राम तेरी दुम से ढोले वंश हीरे तेरी तो पतंग उड़ गई रे तेरी तो पतंग उड़ गई रे आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये फिजाएं क्यों महकती आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये फिजाएं क्यों महकती उड़ रही गली गली खिल रही है कली कली उड़ रही गली गली खिल रही है कली गली मेरी तुमसे डोरे बंध ही रे अयोध्या नगर में बधाई की नगरी में प्रभु जन में नगरी में प्रभु जन में दिल भर जे जग भागी है मरु देवी माँ के जग भागी है मरु देवी माँ के प्रभु बद्रीनाथ जन में प्रभु बद्रीनाथ जन में दिल भर जे सुख घड़ी जन्म की आई हरि हो सुख घड़ी जन्म की आई सुख घड़ी जन्म की आई हर कुछ दिन बुलाए हर कुछ दिन बुलाए दिन भर दे चंदन में धारते मुक्ति अंगे नवरु आदिनाथ देव को मुक्ति से पूजूं और तुम सूर्य को